हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, आदा, प्रणाम, नमस्कार और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। फ्रेंड्स, गर्मी का जो है मौसम चल रहा है, ये भी उस वाहिगुरु परमात्मा ईश्वर अल्लाह उसकी रज़ा है। गर्मी के दिन हैं, पड़ेंगे ही, तो इन गर्मी के दिनों में भी हम पौधों को कैसे बचाना है, कहाँ पे रखना है, बहुत मेहनत लगती है, तब भी इनके बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। दो दो बार पानी दे के भी हमारे जड़े पौधे हैं, पेड़ हैं, वो मुरझा रहे हैं, कुछ तो सूख भी गए हैं। मेरे काफ़ी सारे जो जीनिया थे, कॉस्मोस थे, वो सब मेरे सूख चुके हैं। उनको सेमी शेड में भी रखा, ग्रीन नेट के नीचे भी रखा, अब तो नेट भी काम नहीं कर रहा है, तो इतना सारा पानी भी नहीं आता। हम अर्बन जो एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिए में जो है हमारे जिनके पास मर्सिबल है, जो वो तो बढ़िया है, जब जी करें वो चला सकते हैं मोटर। तो जो मेरे जैसे हमारे जहाँ तो वैसे ही कमेटी का पानी आता है, वो मोहल्ले वाला जो होता है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी शाम को आता है, कभी सुबह को आता है। पानी की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको, तो हम तो बहुत सारा पानी जो है सेव भी करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं भी सेव करना चाहिए पानी। ऐसे सूख के मंजर कुछ इस तरह का हो जाता है पत्तों का, जैसे चूल्हे पे सेका हो, ऐसे कड़क हो जाते हैं। जहाँ भी धूप थोड़ी सी लगती है इनको, यहाँ से ना पत्ते ऐसे हो जाते हैं, झुलस जाते हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी इनको कैसे बचाना है। तो फिर और वाटरिंग जब भी जी करे इनको कर दो, वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि सूख ही जाता है, 2 घंटे में पानी सूख जाता है। धूप में मैं सुबह और शाम को करती हूँ। इसके अलावा और जो प्लांट है हमारे हार्डी हैं, वो हम लगाते नहीं। प्लांट के सिवा हम जो पेड़ है, आज का जो सब्जेक्ट है वो वही रहेगा, फ्री के पेड़ हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कभी भी फ्री का जो पेड़ है उसको उखाड़ा नहीं। ये देखें, मेरी ये थी कटिंग लगाई हुई थी इनकी जेड की, इसमें देखो कितना अच्छा ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है ना फ्री का पेड़। तो हमारे यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो मैंने बहुत सारे प्लांट ऐसे बनाए हैं, जिसके पास जगह होती है मैं उसको दे देती हूँ। तो फिर मैं देखना भी चाहती हूँ कि क्या वो पेड़ लगा है, उसको सांभ संभाल की है कि नहीं, ये देखें। तो इसके अलावा हम जैसे बड़ा पेड़ है ना, उसके नीचे बहुत सारे गिरते रहते हैं, किसी को बोनसाई बनाना हो तो वहाँ से भी ले सकता है। हमको थोड़े से मेहनत तो करनी पड़ती है ना, हमको जो पेड़ पौधों के लिए। ये देखें मेरा ये हो गया फ्री का, मेरा फ्री का पेड़ है जो मेरा, इसका मैं आने वाले समय में बोनसाई करूँगी, बोनसाई ट्रे में लगाऊँगी इसको। तो ये देखें, एक मेरा और है फ्री का, ये मेरा गुलदौदी के प्लांट है, इसमें ये टब में, इसमें देखें ये कितना बड़ा पेड़ पीपल का हो रखा है। ये देखें, इसको मैं कभी भी नहीं उखाड़ सकती, देखो कितनी अच्छी कंडीशन में है, बाकी सब सूखते हैं, ये अच्छा है। ये देखिए, ये है ना फ्री का पेड़, इसको भी बोनसाई कर सकते हैं, पर जैसी कैसी इसको शेप दे सकते हैं बोनसाई पॉट में लगा के। तो ये हो गया मेरा फ्री का प्लांट और पेड़। ये देखिए मेरे, ये मैं कुछ एफर्ट्स करी है, ये मेरा लगभग 2 साल पुराना है, उसमें लगा है। ये देखिए, धूप के कारण इसका पत्ता जो झुलस गया है, नया ही आया था। ये देखिए, ये हाल इसका हो गया है। ये देखिए, ये फिर मेरा फ्री का ऐसे गमले में लगा था, इसको थोड़ी सी शेप देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने वैसे बनाया नहीं बोनसाई, तो कोशिश करूँगी इसको अच्छी सी शेप दूँ। तो ये मेरा फ्री का है, और कुछ मेरे फ्री के हैं, कुछ हमको जो है सीड से ग्रो किया पेड़ मैंने। ये देखें, ये मेरे 2 हैं पीपल, ये छोटा सा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये भी मेरे फ्री के हैं, इनका भी धूप से बुरा हाल हुआ है। ये देखें, ये बोनसाई ट्रे में है,
इसको भी शेप दूंगी। शेप मेरे को देनी है अब, गर्मी के कारण मैं नहीं दे रही, क्योंकि वैसे ही पहले गर्मी से बहुत ही स्ट्रेस में है प्लांट सारे। जैसे हमको गर्मी लगती है वैसे इनको भी लगती है। सो फ्रेंड्स, ये देखो मेरा इतना बड़ा है, ये देखें, ये इतना बड़ा है। आप दूर करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें, इसका भी बोनसाई करना है। ये देखें कितना बढ़िया पेड़ है ना, ये भी मेरा फ्री का है। इसमें मिट्टी कम है और इसका ये जो है इसका रूट डेवलप हो गया है बहुत सारा। ये लगभग 2 साल पुराना है। ये भी अपने आप से किसी गमले में लगा था और इसने मैंने इसको इसमें लगा दिया। और इसका बोनसाई पॉट भी बड़ा करूँगी, क्योंकि इसके हिसाब से मिट्टी कम है इसमें। ये हो गए मेरे फ्री के प्लांट। ये है मेरा सीड ग्रोन, देखें, ये अमरूद का पेड़ है, सीड ग्रोन है। मैंने ऐसे एक और भी है, वो कहीं और रखा है, मेरे को मिला नहीं, पौधों के बीच में घुसा के रखा, वो भी इतना सारा है। देखें इनको ना मैं ऊपर से प्रून कर दिया, ये देखें कितना बढ़िया हो रखा है। कई लोग कहते हैं, वैसे है भी सच्चाई, ये जो सीड ग्रोन होते हैं उसको अमरूद नहीं लगते। हमको ये छत पे अमरूद नहीं लगाने हैं, लग भी सकते हैं, हम ग्राफ्टेड पौधा लें और साल डेढ़ साल में उस पर लगे लगाए रहते हैं अमरूद। ग्राफ्टेड पौधा लें और उसको बड़ी टैंकी में या टब में या जो होते हैं ड्रम, उसके बीच लगा दें तो उस पर अमरूद भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी हम ऐसे कही जाएं कि ये सीड ग्रोन है इसको नहीं लगे, सीड ग्रोन को भी लगते हैं। मैंने ना ऐसे ही एक प्लांट आम का भी किसी को ऐसे दिया था, तो वो मैंने एक गुठली से पैदा किया था। एक नहीं, कई बार मैंने किया ऐसा। मैं उसको एक, जैसे ये मेरा पाउच है, ऐसे में लगा देती हूँ थोड़ी मिट्टी में, तो बहुत ही ज़्यादा अब आने वाले सीज़न में जो रेनी सीज़न होगा हमारा बारिशों में, तो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं सब। आम के पेड़ हो, चीकू के, एक लुकाट का भी मैंने बनाया था पेड़, वो भी मैंने किसी को दिया, उनका माशाल्लाह से चल रहा है उनका पेड़। अभी फ्रूटिंग हुई, 3-4 साल में फ्रूटिंग भी हो जाती है। फ्रूटिंग हो ना हो, ग्रीनरी तो ये ऐड करती है ना हमारे गार्डन में, तो फिर भी पेड़ है हमारे, तो हमको जो प्रकृति से नेचर से प्रेम है, तो हम कभी भी उखाड़ते नहीं हैं प्लांट। ये देखें मेरा अमरूद का पेड़ है, मैंने ऐसे खाते खाते इसी पोट में लगा दिया, ये मैक्सिकन पटूनिया में लगा हुआ। तो देखें कितना बड़ा हो गया, मात्र 1 साल का है ये। पिछली बार मानसून में मैंने, जब मानसून नहीं था शायद, अमरूद का सीज़न था, मेरे को इतना याद नहीं मैंने कब लगाया था। एक और भी है, ये मेरा सीड ग्रोन है, ये देखें नीम का पेड़ है, ये भी मेरा सीड ग्रोन है। इसमें 3-4 मैंने सीड लगाए थे, बाकी के सब तो सूख गए। ये इसके साथ है जो मैक्सिकन पटूनिया का अपने आप से निकला हुआ। ये देखिए मेरा नीम का पेड़ कितना हेल्दी हो रखा है, लेकिन है ना सीड ग्रोन नीम का पेड़ है। मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी मानसून में। ये मेरा फ्री का प्लांट है सीड ग्रोन। सीड मेरे को 4-5 मिले थे कहीं से, पार्क में लगा, छोटा सा पौधा है माँ नीम का, अभी लगाए हैं। जब से लोग अवेयर हुए हैं कि ये बहुत ही अच्छा पेड़ है, बहुत सारे लोग इसको नमन भी करते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ से लाई थी। 4-5 सीड थे मेरे पास, इसमें लगाए थे और 2 इसमें लगाए थे। ये देखिए इसमें लगाए थे, ये देखिए इसमें एक मर गया और एक है। ये देखिए ये मेरा नीम का पेड़ है, ये अपने आप से उगे है, मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट। ये मैक्सिकन पटूनिया है। और ये देखिए मेरा इमली का पेड़ है, इसका भी मैं बोनसाई करूँगी। ये इमली का पेड़ देखिए कितना बड़ा हो, इतना बड़ा इमली का पेड़ है। जी देखिए ऐसे ही हम जैसे रख लेते हैं ना, ऐसे जंगल जैसा लगता है, लूप आता है ना, हम जैसे नहीं हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं पेड़, हमारे बगिया में पेड़ नहीं है, हम शहर में रहते हैं, तो ऐसा लूप क्रिएट होता है जैसे कोई जंगल हो। मेरे बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी ये जंगल छत पे क्यों बना रखा है। तो मेरे को प्रकृति का प्रेम है, मैं कहती हूँ जब तक मैं हूँ तो ऐसा ही रहेगा, बाद में आप जब मैं ना रहूँ तो कैसा भी कर लेना। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फ्री के प्लांट्स, जहाँ सीड ग्रोन 3-4 सीड ग्रोन है। ये मेरे प्लांट नहीं, सॉरी पेड़, ये मेरे पेड़ हैं। आज बात कर लेते हैं आज के फर्टिलाइज़र सी। कल हमने ऑनियन पील फर्टिलाइज जो लिक्विड होता है उसकी बात की थी, तो आज भी मेरे सारे प्लांट बहुत सूख चुके हैं। अभी मैंने वाटरिंग करनी है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ।
आज का जो फर्टिलाइज है कैसे करना है, आज हम दिखाएंगे आपको बनाना पीन फर्टिलाइज़ आपके सामने ही पौधों में डालूंगी। इस मौसम में तो बनाना पीन हो चाहे कोई लिक्विड फर्टिलाइजर, कोई भी नुकसान नहीं होता, उल्टा उनका असर होता है कि जो पौधों को कमी होती है ना पानी की, वो पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स को भी खींच लेते हैं। कोई भी फंगस नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। आपके सामने मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फर्टिलाइज के पास। जी हैं फ्रेंड्स, मेरा बनाना पील फर्टिलाइज़, ये देखिए। बनाना तो अभी खाई भी नहीं देता, मेरे को याद नहीं है कब से मैंने भिगो कर रखा है। तो इसको हम ऐसे हिला लेंगे और फिर इसको उसमें टब में डालेंगे। आपको मैं अभी दिखाती हूँ डाल के ऐसे करना है। ये मैंने ये ले लिया, ये कप में मैं निकालूँगी थोड़ा इससे। ये देखिए, मैं ना वो फ्रेंड्स पुनने के लिए ना छानने के लिए मैं वो नहीं लेके आई, बड़ी वाली जाली है मेरे पास। तो ये देखिए, मैंने एक मग जो ये देखिए, एक मग इतना गाढ़ा है ये लिक्विड मैंने ले लिया। ये देखिए इतना गाढ़ा है बनाना पील है लिक्विड मैंने ले लिया। अब इसमें ये एक मग इसका हो गया और इसमें हम 5 मग पानी के डालेंगे। ये देखिए, एक इसमें थोड़े से ऑरेंज पील भी थी, ये देखिए 2 और 3 4 5, ये मैंने 5 मग इसमें डाल ले। अभी ये बहुत पुराना हो रखा है ना, अभी ये लिक्विड काफ़ी गर्म है। ऐसे मैं आपके सामने, कई लोग बोलते हैं कि लाइक्स के मारे, कमेंट्स के मारे ये बनाना पील लोग है जो गार्डनर है दिखा देते हैं, डालते नहीं। ये देखें मैं आपके सामने डालूंगी, ये देखें इसमें भी डाल देते हैं, सभी में डालूंगी। और ये मेरा बड़ा प्लांट है, ये मेरा चंपा का प्लांट है, ये देखें सभी में डालेंगे। इसमें 2 डाल देते हैं, बड़ा है, और इसमें भी डाल देते हैं मैक्सिकन पिटूनिया, इसमें गुलाब भी लगा है। और ये मेरा है, इधर देखें, ये मेरा है मधुमालती का, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, ये देखें इसमें डाल देते हैं। तो सारा ऐसे ही डाल देते हैं, मेरे भगवान की कृपा से कभी भी कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ कभी। इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ जो मौसम होता है ना बारिशों का या फिर सर्दी का जो मौसम होता है, उस समय हमको ये लिक्विड नहीं डालने चाहिए। खास करके जो बनाना पील का होता है, इसमें थोड़ा सा मिठास होती है जिससे कोई भी फंगस लग सकती है। उस टाइम भी हम अगर धूप में पड़े हैं, हमारे प्लांट गुडाई करिए हमने धूप में पड़े हैं, तो तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फर्टिलाइज बनाना पील वाला। तो कल मैंने ऑनियन पील, कल को कोई और फर्टिलाइज़र जो हम बताएंगे जो टाइम मिला। तो आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे फ्री के प्लांट या सीड सॉरी पेड़ फ्री के पेड़ या हमारे जो सीड ग्रोन पेड़ होते हैं, तो पेड़ को भी हम थोड़ा लुक दे के हमारी जो है इच्छा पूरी हो सकती है। मेरे जहाँ कोई भी होता है ना पेड़, मैं उसको संभालती हूँ बहुत। ऐसे ही मैंने जो खाते आम घर में जामुन, उसका पेड़ भी एक लगाया था, वो हमारा सूख गया, क्योंकि मेरे पास ना जगह की भी कमी है, मिट्टी की भी कमी है और पॉट्स की भी कमी है। आमतौर पर मैं जो शॉप पर होती हैं ग्रो बैग्स, उसमें उगाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जी।
हमको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।